बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बल्लू दादा को छुड़ा लिया गया नामक पाठ का सभी प्रश्न के उत्तर को देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, सभी जानवर अपने बच्चों को कहाँ छोड़ जाते थे? तो यहाँ देखोगे आंसर में, सभी जानवर को इतना ज़्यादा भरोसा था बल्लू दादा पर कि काम पर जाते समय वे उनके अपने छोटे बच्चों को उनके सुपुर्द कर जाते थे। सेकंड क्वेश्चन में आएंगे, बल्लू दादा बच्चों को क्या सीख देते थे? यदि कोई बच्चा दूसरे से झगड़ता तो दादा फौरन उन्हें प्यार से रहने की अच्छी सीख देते थे। जानवरों का छोटा सा कस्बा कहाँ बसा हुआ था? जानवरों जंगल में नदी के किनारे जानवरों का छोटा सा कस्बा बसा हुआ था। पशु पक्षियों का मंत्री कौन था? तो हम लोगों ने देखा था, खरगोश को उसकी सूझबूझ के कारण पशु पक्षियों का मंत्री बनाया गया था। खरगोश जरूरी बात करने के लिए अपने घर किसे लेकर गया? तो खरगोश जरूरी बात करने के लिए अपने घर चील को लेकर गया। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्न में, बल्लू दादा बच्चों को कैसे रखते थे? बल्लू दादा को बच्चों से बहुत प्यार था। उनका घर नदी के किनारे था। सारा दिन वे बच्चों को ऐसे ध्यान से रखते जैसे वे खुद उनके ही बच्चे हों। कभी कभार उधम मचाते बच्चों को डांटना भी पड़ता तो प्यार से डांटते थे। कोई बच्चा यदि दूसरे से झगड़ता तो बल्लू दादा फौरन उन्हें प्यार से रहने की अच्छी सीख देते। वे बच्चों के साथ बच्चे की ही तरह हो जाते थे। नेक्स्ट था, जानवरों ने सभा कहाँ की और क्यों? एक शाम जब बल्लू दादा बच्चों को सूंड में पानी भर भर कर नहला रहे थे तो वहाँ कुछ शिकारी आए और बच्चे तो डर कर इधर उधर दुबक गए, पर वे बल्लू दादा को पकड़ कर ले गए। जब जानवर काम से लौटे तो बच्चों ने बल्लू दादा के बारे में सारी कहानी उन्हें सुनाई। सारे जानवर बहुत उदास हो गए, उन्हें शिकारियों पर क्रोध भी बहुत आया। सभी जानवरों ने तुरंत बरगद के विशाल पेड़ के नीचे सभा की। सभी इस बात पर सहमत थे कि बल्लू दादा को किसी भी कीमत पर छुड़ाना है। आखिर उन्होंने सुख दुख में सदा जानवरों की मदद
जानवरों का साथ दिया था। बल्लू दादा को छुड़ाने में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? बल्लू दादा को छुड़ाने के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उन्हें यह पता लगाना होगा कि उन्हें पकड़कर यानी बल्लू दादा को पकड़कर कहाँ ले जाया गया है ताकि उन्हें छुड़ाया जा सके। दीवारों के नीचे सुरंग क्यों बनाई गई? दीवारों के नीचे से सुरंग बनाया गया ताकि अंदर जाने का रास्ता हो जाए और बल्लू दादा को छुड़ाने का कार्य पूरा किया जा सके। अब आएंगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में। बल्लू दादा को कहाँ कैद किया गया था वर्णन करना है यानी बताना है। तो बल्लू दादा को बड़ी बड़ी चार दीवारी में बंद किया हुआ है, छत नहीं है, एक जगह बस बड़ा सा दरवाजा है, वह बंद है। काश बल्लू दादा को उड़ना आता, ऊंची ऊंची दीवारों को तो वे फांद नहीं सकते, वे अकेले थे और उनके पैरों को मोटे मोटे रस्सों से बांध कर रखा गया था। चील ने घर लौटते समय क्या देखा? नेक्स्ट क्वेश्चन का इसका आंसर तुम्हें यहां मिलेगा। चील ने घर लौटते हुए देखा था। चील ने बताया, मैं आज जब घर लौट रही थी तो देखा कि रास्ते में कई लोग बल्लू दादा को पकड़कर ले जा रहे थे हैं। बल्लू दादा अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन पकड़ने वाले उन्हें मार मार कर डरा देते थे। बल्लू दादा की आंखों में आंसू भी थे। मैं समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है। बस मैंने आवाज लगाकर बल्लू दादा का ध्यान अपनी ओर खींचा। बल्लू दादा ने जब मुझे देखा तो मैंने झट कह दिया कि आप घबराओ मत बल्लू दादा, मैं आपके साथ साथ उड़कर जगह देख लूंगी जहां ये आपको ले जा रहे हैं। आप आराम से चलो चलो ताकि ये आपको मारे नहीं। बाद में मैं सब जानवरों को जाकर बता दूंगी। हम अपनी जान पर खेल कर भी आपको छुड़ाएंगे। अभी मैं उसी जगह से आ रही हूँ जहां हमारे प्यारे बल्लू दादा को पकड़कर रखा हुआ है। वे हमारा इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्लू दादा को शिकारी के चंगुल से कैसे छुड़ाया गया?
सबसे पहले मंत्री खरगोश चील को लेकर उस जगह गए जहां बल्लू दादा कैद थे। मंत्री खरगोश के लिए अंदर जाना मुश्किल था, लेकिन चील दीवार के ऊपर से उड़कर अंदर पहुंच गई, बल्लू दादा के कान में पूरी तरकीब बता दी। तरकीब सुनकर बल्लू दादा का उदास चेहरा खिल उठा। उन्होंने खरगोश की सूझबूझ की खूब सराहना की। उसके बाद आ जाओगे। शाम होते ही बहुत से चूहों को लेकर मंत्री खरगोश फिर वहां पहुंचा। उन्होंने चूहों को कहा कि दीवारों के नीचे से सुरंग बना डाले ताकि अंदर जाने का रास्ता हो जाए। चूहों ने मन लगाकर काम किया और देखते देखते बहुत से बिल खोदे गए। अगले दिन शाम होने से पहले ही मंत्री खरगोश कुछ बंदर, कुछ गिद्ध, कुछ भेड़िए और बहुत से चूहे लेकर फिर वहां पहुंच गए। खरगोश ने भेड़ियों को दरवाजे से थोड़ी दूर झाड़ियों में और बंदरों को आसपास के पेड़ों पर बैठ जाने के लिए कहा। इसके बाद चूहों को अंदर जाकर सारे रस्से कुतर डालने को कहा। चूहे तुरंत अंदर पहुंच गए और जल्दी जल्दी बल्लू दादा के तमाम रस्से काटकर बाहर निकल आए। तब खरगोश ने गिद्धों को इशारा किया। वे चार दीवारी के ऊपर मंडराने लगे और उनमें से एक दो गिद्ध बल्लू दादा के ऊपर बैठ गए। बल्लू दादा भी ऐसे पसर गए जैसे मर गए हों। जैसे ही दरवाजे पर खड़े पहरेदारों ने आकाश में गिद्धों को मंडराते हुए देखा तो वे असमंजस में पड़ गए कि गिद्ध तो लाश पर ही मंडराते हैं। उनमें से एक ने दरवाजे में बने सुराख में से देखा तो पाया कि हाथी मरा पड़ा है। उसने तुरंत दूसरे को बताया। वे दोनों ही घबरा गए। वे भागे भागे पास ही के बंगले में गए और अपने मालिक को बताया कि हाथी मर गया है। मालिक तुरंत उनके साथ वहां आ पहुंचा। मालिक ने तुरंत दरवाजा खुलवाया। फिर वे तीनों अंदर गए। पेड़ पर बैठे बंदर ने आवाज निकाली। बल्लू दादा समझ गए कि दरवाजा खुल गया है। उन्होंने धीरे धीरे अधमुंदी आंखों से देखा कि तीनों आदमी कुछ बातों में लीन हैं। वे चुपचाप उठे और खुले हुए दरवाजे से बाहर निकलकर जंगल की ओर भागे। आदमी बंदूक लेकर उनकी ओर लपके, लेकिन भेड़ियों ने अपनी पिछली टांगों से मिट्टी उड़ा उड़ाकर बगुला बना दिया। अपनी आंखें ही मलते रह गए। बंदरों ने मौका देखकर उनकी बंदूकें छीनकर पेड़ों की सबसे ऊंची टहनियों में छिपा दी। जब मंत्री को विश्वास हो गया कि बल्लू दादा जंगल में पहुंच गए होंगे, उन्होंने इशारा किया। सभी जानवर होशियारी के साथ अंधेरे में दुबकते दुबकते नदी के किनारे पहुंच गए। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? यहाँ देखोगे सबसे एंड में। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सब यदि इसी तरह मिलजुल कर रहें और मुसीबत में सूझबूझ के साथ काम करते रहें तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा।
तो ये सारा क्वेश्चंस हो गया। अब एक बार ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव वाला जो है उसको देख लेंगे हम लोग। किसने कहा, सही उत्तर चुन करके लिखोगे। पहले कुछ सोचो समझो तभी कुछ कदम उठाओ। किसने कहा था, चील ने, खरगोश ने या बंदर ने? तीन ऑप्शन है यहाँ पे, तो यहाँ सही वाला ऑप्शन क्या है, खरगोश ने। मेरी राय में तो हमें अभी चल पड़ना चाहिए। किसने कहा था, हिनू बंदर ने कि चील ने या खरगोश ने? तो इसमें हिनू बंदर ने कहा था। उनके पैरों को मोटे मोटे रस्सों से बांध रखा था हाथी ने या फिर चील ने या गिद्ध ने? तो यहाँ चील राइट ऑप्शन है, चील ने कहा था। तो ठीक है, सभी प्रश्नों को मैंने आंसर बता दिया सभी प्रश्नों का। अब तुम लोग अपने अपनी कॉपी में सभी क्वेश्चन को आंसर के साथ लिख लोगे और कॉपी, हिंदी कॉपी को कंप्लीट करके रखोगे। बाय।